तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। शाम के बज चुके 5। फिलहाल मैं अभी गांव पे हूँ। गांव से आपको आत्मा लेके चलेंगे कुछ रहस्यमय चीज दिखाने। वहाँ मगध वंश के कुछ ऐतिहासिक मंदिर वगैरह है, वहाँ हम सब लेके चलते हैं। मेरा टीम है, एक दो को लेके चलते हैं। तो गाइस अभी आत्मा बस्ती में इन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के बारे में बताते हैं थोड़ा डिटेल। फिलहाल मैं अभी आत्मा बस्ती में घूम चुका हूँ। मंदिर के बारे में डिटेल करें, बस 1 मिनट का रास्ता और है। बस आपको मंदिर के दिखाने जा रहे हैं, देखिए नजर थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। बस जस्ट मेन पहुंच गए गाइस। बस मंदिर, तो गाइस फिलहाल मैं आसमा मंदिर में पहुंच चुका हूं। मंदिर का आपको सीन दिखा देता हूँ। ये मगध सम्राट का मंदिर है जो बहुत रहस्यमय है। डिटेल आप लोग को देता हूँ, फिलहाल चलते हैं मंदिर का सीन दिखा देता हूँ। ये मंदिर पर बहुत पहले से ही यहाँ पर तोता मैना कबूतर बहुत सारा रहता है। तो मंदिर के अंदर का सीन दिखा देता हूँ। फिलहाल गाइस उधर से ही गेट है। अंदर लेके चलते हैं, अंदर का सीन दिखाते हैं। ओपन भगवान रहते हैं। ये भोले बाबा, ये भोले बाबा का यहाँ मतलब बहुत ही लोग दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मंदिर देखे। मतलब एक आवाज मिलेगा जहाँ आवाज खुलेगा लगता है डीजे की तरह आवाज मिलता है। ये भोले बाबा का मंदिर है, चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। जरा थोड़ा भगवान के गाइस निकट से आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये हैं भोले बाबा, और भी यहाँ पर मौजूद है भगवान। देखिए यहाँ पर और पूरा मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ, किस प्रकार से बना हुआ है मंदिर, इतना ही आकर्षक मनमोहक। देखिए गाइस ये बोला जाता है भोले बाबा का जो सवारी है वही है। पूरा दिखा देता हूँ उसका फोटो। और इसके जस्ट बगल में ही एक और मंदिर है। तो मंदिर को अब हम दिखा देते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, पता ना फूटा हुआ है। ये लगता है फिलहाल दुर्गा माँ का मंदिर है। चलिए तो चलिए गाइस यहाँ का तलाई के बारे में कुछ बता दें। यहाँ लेके चलते हैं तलाई पे। यहाँ तो छठ में ना जाने कितना भीड़ रहता, इतना भीड़ रहता है कि आदमी को गिनल पार नहीं लगता। एक एक आदमी करके गिन ले तो एक दिन लग जाए एक दो आदमी को। दिखा देते साइड का व्यू, बहुत बड़ा तलाई है। तो ये देखिए गाइस बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत गहरा यहाँ का तलाई है। ना जाने कब से है हमें तो नहीं पता, लेकिन आप लोग के पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इधर का दिखा देते हैं, बहुत सारा मंदिर है, पूरा डिटेल ना दे सकते हैं पर दिखा जरूर सकते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, सब मगध सम्राट का मंदिर है। और इधर का व्यू दिखा देते हैं, बहुत बड़ा बहुत गहरा तलाई है। तो देखिए गाइस, आत्मा के ये सब भाई लोग हमें मिल चुके हैं, हाई कर दो सब लोग, हाई कर दीजिए, बॉस हमें सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो करने में। फिलहाल आगे लेके चलते हैं गाइस, चलते हुए आप सबसे बात करते हैं। अभी तलाई के बगल में ही है, बताते थे यहाँ के बहुत रहस्यमय चीज है। इधर मेला एक लगता है, क्या चीज में लगता है मेला है, क्या चीज में लगता है भाई मेला कब लगता है यहाँ? शिवरात्रि में मेला लगता है, ये सब भाई लोग बता रहे हैं। शिवरात्रि में लगता है ना? शिवरात्रि में मेला लगता है। आइए, ये इस्लामपुर क्षेत्र में पड़ता है, आत्मा बस्ती है, आइए मजा कीजिए। बता तो रहा है मेला में भी और छठ पूजा अर्क पड़ता, इतना ना भीड़ रहता है कि बता देते हैं दो आदमी भी गिनना चालू करे ना तो कम से कम तीन चार दिन लग जाए, इतना भीड़ रहता है आदमी का बहुत ज्यादा। फिलहाल लेके चलते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक लास्ट करेंगे, आई होप कि वीडियो आप लोग के पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं कमेंट में।